तो हम अभी आए थे आम का पेड़ जगाने, तो उसी दौरान हमें प्रकृति द्वारा बहुत सारा पुटू का जो है मशरूम का वो दिया गया है इनाम, जिसे आप देख सकते हैं। प्रकृति ने पेड़ पौधे लगाने और हरियाली बढ़ाने का इनाम दिया है। इतना ही नहीं, आगे और है, ये देखिए बहुत सारा है, प्रकृति ने धन्यवाद के रूप में दिया है, जिसे हम अब निकालने वाले हैं। हम इसे निकाल लेते हैं, घर जाकर इसे साफ करके पकाया जाएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमने अभी तक 100 पेड़ जगा लिए हैं। हम छत्तीसगढ़ से हैं, थोड़े गवैया हैं, इसलिए हमारे भाषा में आपको कुछ कुछ त्रुटि दिखाई दे सकती है। मैं तो स्कूल से भाग जाता है, बहुत मुश्किल से इसने 12वीं पास किया है, लेकिन फुटू पर फोकस करते हैं। तो घर जाकर सियान लोगों से पूछेंगे कि फुटू अच्छा है कि नहीं। कई बार फुटू समय से ख़राब हो जाता है। सबको धन्यवाद, प्रकृति को हम धन्यवाद देंगे। हमने जब पेड़ लगाना शुरू किया यहाँ, जब हम आए, तब हम आपस में कह रहे थे कि अगर हमें आज 1 किलो पुटू मिल जाए, मशरूम मिल जाए, तो बहुत मज़ा आ जाएगा, जो कि सच हुआ। भले ही वजन में किलो में ना हो, लेकिन हमारे थोड़े स्वाद के लिए काम आ जाएगा। झुंड के पास से निकालते हैं, ये देखिए, शायद ये आज या कल में ही तैयार हुई। अगर इसे इसी तरह छोड़ा गया बड़े होने के लिए, तो ये आगे अब शायद ख़राब हो जाए, इसलिए हमें छोटी अवस्था में ही निकालना पड़ रहा है। मशरूम तो ताज़ा लग रहा है, कई बार कीड़े हो जाते हैं इसमें, ऐसा ना हुआ हो। हमने जितना दिखा था उतने को निकाल लिया है, लेकिन अभी थोड़े दूरी को और देखेंगे, ताकि अगर हो तो मिल जाए। ये देखिए, हाँ, मैं थोड़े नीचे को लालच में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से जो नहीं मिलता है, वो नीचे काफ़ी सामान होता है, जो मैं कभी, कहने का मतलब है कि इतने अच्छे से मशरूम नहीं निकाल पाया हूँ जीवन में, तो इसलिए मैं नहीं जानता हूँ ढंग से, इसलिए टूट गया है ये जगह, थोड़ा सा कठोर है, और मिट्टी यहाँ मुरुम है, जिसे आप लोग बजरी कंकड़ के समान मिट्टी समझ सकते हैं। तो जो पहले वाला जहाँ बहुत सारा हमने निकाला है, उस एरिया में चलते हैं। कहाँ है भी असली माल तो है। ये देखिए, इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में होता है नीचे में, जितना होता है उसमें उतना।
हमें। चलिए आसपास के एरिया को और देख लेते हैं, अगर हो जाए तो। अगर हमारे भाग्य में कहा जाए होगा तो हमें जरूर मिलेगा। ऐसे धुंध में सांप वाप भी हो सकते हैं, ये होता है खतरे का काम, लेकिन अब हम गाँव में रहते हैं तो हमेशा फर्क नहीं पड़ता है, हमें पता चल जाता है। उम्मीद कम लग रहा है, अब तो शायद नहीं मिल रहा है। अब बचे हुए पेड़ों को हम लगा लेते हैं, उसके बाद अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो संतोष तो करना ही होगा। तो अब इस वीडियो को यहीं बंद करते हुए आगे हम अगली वीडियो पर मिलेंगे। धन्यवाद।